राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए विज्ञान पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम रेंगते जीव निराले। बच्चों, क्या तुमने चिड़ियाघर देखा है? हो सकता है कुछ बच्चों ने देखा हो और कुछ ने न देखा हो। भाई, आज हम तुम्हें चिड़ियाघर ले जा रहे हैं जहां तुम अधिकतर रेंगने वाले जीवों से मिल पाओगे। तो चलो तैयार हो जाओ। उषा, राहुल, इकबाल और राधा के साथ तुम भी शामिल हो जाओ। नमस्ते बच्चों। नमस्ते दीदी। क्या बात है, आज कक्षा में इतना शोर क्यों है? दीदी दीदी देखो ना, राहुल ना हमें छिपकली से डरा रहा है। क्या? देखे ना, उसने छिपकली को पूंछ से पकड़ रखा है। राहुल, क्या हो रहा है ये? दीदी, ये तो प्लास्टिक की बनी हुई छिपकली है। ओहो राहुल, ये बिल्कुल गलत बात है। चलो इस छिपकली को फेंको। दीदी दीदी, राहुल ना डरा रहा था कि छिपकली हमारी किताबें खा लेगी। क्या छिपकली कागज खाती है? अरे नहीं राधा, वैसे भी ये नकली छिपकली है, जबकि असली छिपकली भी कागज नहीं खाती। छिपकली तो कीड़े मकोड़े खाती है। दीदी, आज तो आप हमें चिड़ियाघर की सैर के लिए ले जा रही थी। अरे हाँ उषा, मैं तो तुम सबको लेने ही आ रही थी, पर कक्षा में इतना शोर था कि मैं सब कुछ भूल गई। अच्छा चलो, सब अपने अपने खाने का डिब्बा और पानी की बोतल उठाओ। ज्यादा गर्मी होने से पहले ही चिड़ियाघर पहुंच जाना चाहिए हमें। हाँ, हाँ, चलो, चलो, चलो। पर ऐसा क्यों दीदी? वो इसलिए राधा कि अधिक गर्मी होने से जानवर बाहर नहीं निकलते, छाया में दुबक दुबक कर बैठ जाते हैं। तो चलो सब जल्दी करो, चलो बच्चों चलो। हाँ, चलो दीदी, चलो चलो। अपनी दीदी का कहना मानकर सभी बच्चे बस में बैठ गए और कुछ ही देर में जा पहुंचे चिड़ियाघर। चलो बच्चों, सब लोग लाइन बनाकर चलो चलो। अरे दीदी वो देखो। क्या? कितना बड़ा मगरमच्छ। दीदी सुनो, उषा लकड़ी के टुकड़े को मगरमच्छ कह रही है। अरे नहीं इकबाल, ये सचमुच ही मगरमच्छ है। ये तो इनकी त्वचा है जो दूर से लकड़ी जैसी लगती है और जिससे जानवर भी धोखा खा जाते हैं। तो क्या दीदी ये जानवरों को ऐसे ही धोखा देकर फंसाता है? हाँ उषा, जब हिरण या कोई और जानवर इनके पास आता है तो ये मगरमच्छ उसकी टांगे पकड़कर उसे पानी में खींच लेता है। ये अपने मुंह में जानवर को तब तक पकड़े रखता है जब तक वो मर ना जाए। फिर? अच्छा फिर क्या, फिर वो उस जानवर को खा जाता है। लेकिन दीदी, मगरमच्छ उन जानवरों के पास खुद क्यों नहीं जाता, उनका इंतजार पानी में ही क्यों करता रहता है? वो इसलिए इकबाल, क्योंकि मगरमच्छ तेज भाग नहीं सकता। अच्छा, अच्छा दीदी। हाँ, अब तुम
सब ये जानना चाहोगे कि वो तेज भाग क्यों नहीं सकता, है ना दीदी? तो चलो मैं तुम सबको एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। कहानी? वाह दीदी, बड़ा मजा आएगा। तो सुनो, एक जंगल में एक बार जानवरों की सभा हुई। इस सभा में सभी छोटे बड़े जानवर इकट्ठे हुए। सभा समाप्त होने के बाद जब सब जानवर अपने अपने घर लौटने लगे, तब मगरमच्छ, कछुआ और गिरगिट पक्के दोस्तों की तरह साथ साथ जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि उनकी बहुत सी बातें एक जैसी हैं। अच्छा, अब तुम जानना चाहोगे कि वो कौन सी बातें हैं, है ना? तो देखो, तीनों के ऊपर की खाल बहुत सख्त और नीचे का हिस्सा यानी कि पेट बहुत नर्म होता है। अच्छा दीदी। हाँ, पर बच्चों, वो तीनों प्रकृति के इस देन से बिल्कुल खुश नहीं थे। क्यों? वो चाहते थे कि उनके शरीर की बनावट भी दूसरे तेज दौड़ने वाले जानवरों की तरह हो, ताकि वो भी आजादी से और बहुत जल्दी जहाँ चाहें वहाँ तक पहुँच सकें। और उन्होंने सोचा कि अगर वो मिलकर जंगल की देवी से वरदान मांगे तो शायद वो उनकी बात सुन ले। उसके बाद क्या हुआ दीदी? उसके बाद उन तीनों ने मिलकर बहुत दिनों तक तपस्या की और फिर देवी ने उनकी बात सुन ली। और जानते हो फिर क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ दीदी? उनके ऊपर की खाल एकदम मुलायम हो गई। वो खुश होकर इधर उधर भागने लगे। खूब नाचने कूदने के बाद जब वो थक गए तो अपने अपने घर जाकर सो गए। दूसरे दिन जब वो जागे तो जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? बच्चों, वो भूल चुके थे कि उनके शरीर में हल्कापन आ गया है। वो उसी तरह धीरे धीरे हिलते हुए खाने की तलाश में चलने लगे। अचानक मगरमच्छ को याद आया कि वो भाग भी सकता है। जोर लगाकर जब वो भागा तो रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक पेड़ से टकराकर वो बुरी तरह घायल हो गया। बेचारा। और कछुए का क्या हुआ दीदी? कछुआ भी जब घर से निकला तो नदी के किनारे पड़े बड़े पत्थरों पर बैठे शरारती बच्चे उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा? कछुए के आते ही उन्होंने कंकड़ पत्थर उस पर फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन रोज की तरह जब कछुआ अपने कवच के नीचे घुसा तो कवच भी उसे बचा ना सका। क्यों दीदी? वो इसलिए क्योंकि उसका कवच तो नरम हो चुका था। अरे हाँ, उसको भी बहुत चोटें आईं। दीदी, वो गिरगिट? गिरगिट का भी यही हाल हुआ। जब वो पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रही थी तब वो फिसलकर नीचे गिर पड़ी। आम तौर पर जब वो नीचे गिरती है ना बच्चों, तो उसे कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, लेकिन अब क्योंकि उसकी पीठ बहुत ही मुलायम हो गई थी, उसको बहुत ही कष्ट हुआ। अच्छा। जानते हो बच्चों, तीनों ने क्या सबक सीखा इससे? क्या? यही कि जो कुछ मिला हो उसी में संतोष करना चाहिए। और जानते हो, दूसरी बात उन्होंने ये सीखी कि प्रकृति के नियम बड़े सोच समझकर ही बनाए गए हैं, इसीलिए हमें उनका पालन करना चाहिए। और फिर जानते हो, उन्होंने देवी से प्रार्थना की और अपने पुराने रूप को फिर से प्राप्त कर लिया। तो बताओ कैसी लगी तुम लोगों को ये कहानी? बहुत अच्छी दीदी। सब समझ में आया ना? हाँ दीदी। अच्छा दीदी, अब समझ में आया कि मगरमच्छ अपने शिकार के पीछे भागता क्यों नहीं है, लेकिन दीदी वो खाता क्या है? देखो इकबाल, छोटे मगरमच्छ मछलियाँ और बड़े मगरमच्छ बड़े जानवर भी खाते हैं। दीदी वो देखो, वो मगरमच्छ जमीन पर चल रहा है, क्या वो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है? हाँ उषा, मगरमच्छ दिन का ज्यादा से ज्यादा समय नदी या समुद्र के किनारे सूरज की रोशनी में बिताते हैं। अच्छा।
और रात होने पर वो पानी में चले जाते हैं। उनकी आदत तो बिल्कुल कछुए से मिलती है ना दीदी? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और दीदी, क्या कछुए भी जानवर खाते हैं? अरे नहीं नहीं राधा, कछुए तो पानी में उगने वाले पौधे खाते हैं। हाँ दीदी, ऐसा एक गीत भी मुझे याद आ रहा है, मैं सुनाती हूँ। अच्छा, तुम्हें गीत आता है? हाँ दीदी। तो हम सब सुनेंगे। हाँ दीदी, क्यों नहीं सुनाओ? तैर तैर कर रेंग रेंग कर, तैर तैर कर रेंग रेंग कर, रहे पानी में या धरती पर, रहे पानी में या धरती पर, खाए पौधे खाए जानवर, खाए पौधे खाए जानवर, घड़ियाल कछुआ और मगर, घड़ियाल कछुआ और मगर, घड़ियाल कछुआ और मगर, घड़ियाल कछुआ। ना बहुत अच्छा। दीदी वह देखो कितना बड़ा कछुआ, और न जाने वो रेत में क्या ढूंढ रहा है। इकबाल, वो कुछ ढूंढ नहीं रहा, वो तो अंडे दे रहा है जिनको वो इसी रेत से ढक देगा। ढक देगा? ऐसा क्यों? इसलिए कि वो दूसरे जानवरों की नजर से बचे रहे, और इसलिए भी कि रेत और सूरज की गर्मी से इनमें से बच्चे निकल सके। अच्छा दीदी, तो क्या ये बच्चे रेत से अपने आप बाहर निकल आते हैं? हाँ, यही नहीं, वो बच्चे बाहर निकलकर पानी की तरफ भी रेंग जाते हैं। अच्छा दीदी, क्या सभी रेंगने वाले जानवर ऐसे ही अंडे देते हैं? हाँ राहुल, तकरीबन ऐसे ही, सांप भी और छिपकलियाँ भी, लेकिन मगरमच्छ का तरीका थोड़ा अलग होता है। दीदी वे कैसे? वो ऐसे इकबाल कि मादा मगरमच्छ अंडे देकर उनकी देखभाल भी करती है। जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वो एक आवाज करते हैं, तब मादा मगरमच्छ रेत हटाकर बच्चों को आजाद कर देती है। अच्छा, फिर ये बच्चे पानी की ओर रेंग जाते हैं? नहीं नहीं, फिर मादा यानी माँ मगरमच्छ इन्हें बहुत प्यार से अपने दांतों में दबाकर उठाती है और पानी में छोड़ आती है। अच्छा दीदी, चलो ना वहाँ चलकर देखें कि वहाँ कौन सा जानवर है। अरे नहीं नहीं उषा, अब पाठशाला पहुँचने का समय हो रहा है, हम फिर आएंगे। हाँ चलो। धन्यवाद दीदी, आज तो बहुत ही मजा आया। तो चले हम सब? हाँ दीदी, चलो आओ। रेंग रेंग कर चलने वाले इस धरती पर जीव निराले, पानी में या दीवारों पर चलते हैं ये सरक सरक कर, पानी में या दीवारों पर चलते हैं ये सरक सरक कर, फिर भी कितनी दौड़ लगाते, पौधे कीड़े जानवर खाते, फिर भी कितनी दौड़ लगाते, पौधे कीड़े जानवर खाते, काम हमारे बहुत है आते, काम हमारे बहुत है आते, जानोगे तो पता चलेगा, जानोगे तो पता चलेगा, ये है अच्छे दोस्त हमारे, ये है अच्छे दोस्त हमारे, ये है अच्छे दोस्त हमारे, ये है अच्छे। ज्ञान विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेंगते जीव निराले। विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख अजय चावला, कलाकार गीता वर्मा, प्रभुदयाल खट्टर, अनन्या पल्लवी, नेहा और प्रतीक, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग
दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा संगीत निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।